हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कॉर्ट्स के स्टॉक की। और आप देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज़ इस पे बहुत ही ब्यूलिश है, बहुत ही पॉजिटिव है। दे आर गिविंग ए बाई कॉल ऑन द एस्कॉर्ट्स विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹2000। तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जानेंगे और इसके टेक्निकल एंड बिजनेस आउटलुक भी चेक करेंगे। तो एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल SMIA पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। सो इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस कंपनी के टारगेट का टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC की सिक्योरिटीज़ की तरफ से एस्कॉर्ट्स पे नए टारगेट निकल कर आ रहे हैं 2000 के फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा जा रहा है। तो अब हम इस कंपनी के डिटेल चेक करेंगे। तो ये जो कंपनी है, जैसे कि आपको पता है, ये ऑटो सेक्टर में काम करती है, ये मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ नियरली ₹24,456 करोड़ एंड दिस कंपनी इज़ ऑपरेटिंग सिंस 1944। तो ये ऑटो सेक्टर की मिड कैप कंपनी है। इसका जो मेन रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम द ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चरल एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, स्क्रैप सेल ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो की प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द 30 सितंबर 2021, इसकी जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम थी दैट वाज रिपोर्टेड टू बी 1739.36 करोड़। इट इज़ फाउंड टू बी नियरली फ्लैट ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इट इज़ इंक्रीज बाई 2.72% ऑन ए जीयर ऑन ए जीयर बेसिस। तो यदि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो दैट इज़ नियरली 177.30 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो इसके जो नंबर्स हैं उसमें इस कंपनी की इनकम में कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा मुनाफा जरूर कमा लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। द कंपनी कंटिन्यूज टू बी नेट डेब्ट फ्री विद द सफिशियंट अवेलेबल लिक्विडिटी फॉर ग्रोथ। तो सबसे बड़ा इस कंपनी का जो पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये जो कंपनी है टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, नेट डेब्ट फ्री कंपनी है और इट इज़ हैविंग सफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर द ग्रोथ। तो इसके फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। आल्सो द कुबोटा इंडक्शन एज ए मेजॉरिटी प्रमोटर एंड द आउटलुक ऑफ द रिकवरी इन द रेलवे कंस्ट्रक्शन स्पेस इज एनकरेजिंग। अब जैसे कि आपको पता है, इस कंपनी ने जो है इस कंपनी में बहुत ही बड़ा शेयर जो है वो लिया है, इसका मेजॉरिटी स्टेक जो है वो ले लिया है। तो अब इस कंपनी की जो आउटलुक है, रिकवरी है इन द रेलवे सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स द रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट टू ग्रो एट 9%, 6%, 6% CAGR ओवर द फाइनेंशियल ईयर 1 to 24, लेड बाई द इम्प्रूवमेंट इन द डोमेस्टिक वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स। तो इस कंपनी का जो डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस है वो भी आपको इम्प्रूवमेंट करता दिखेगा और एक्सपोर्ट में भी आपको जरूर जो है अब जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कबूटा ने इस कंपनी पे बहुत ही बड़ा शेयर जो है वो परचेज कर लिया है, अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया है। एट द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक ट्रेड्स एट ए वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव गिवन इट्स स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पोस्ट द कुबोटा बिकमिंग द मेजोरिटी स्टेक होल्डर। तो कुबोटा की मेजोरिटी स्टॉक होल्डिंग के बाद अब इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं और मीडियम टर्म में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। देयरफॉर द इन्वेस्टर्स कैन ऑफर देयर शेयर्स इन द ओपन ऑफर एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एट ए प्राइस ऑफ ₹2000। पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द ऑफर द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स द स्टॉक प्राइस टू रिएक्ट डाउनवर्ड्स बट ओवर द मीडियम टर्म द ओपन ऑफर प्राइस मे बी एक्सीडेड। अब जैसे कि आपको पता है, जो कंपनी है वो ओपन ऑफर दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को 2000 लेवल पे, तो इसके बाद आपको जरूर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता ही है, लेकिन मीडियम टर्म में ये जो कंपनी है आपको 2000 के लेवल को टच करती दिख सकती है ड्यू टू द ओपन ऑफर प्राइस।
आप यदि इस कंपनी के शेयर की प्राइस के देखें तो फ्राइडे में इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी जो है आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गई है। 3.06% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड था लेकिन इस स्टॉक में आपको बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और ये जो स्टॉक है 1869.40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। यदि इस कंपनी के रिटर्न्स देखें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपके जो रिटर्न्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में इसने 3.06% के रिटर्न्स दिए हैं, 1 मंथ में 21.04% के रिटर्न्स हैं, 3 मंथ्स में 39.18% के रिटर्न्स हैं, 1 ईयर में 34.74% के रिटर्न्स हैं, लेकिन 3 ईयर में 178% के मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और 5 ईयर्स में भी इस स्टॉक में 500% से ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है क्लियरली एक मल्टीबैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है। कहीं पे भी आपको वॉलेटिलिटी का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर निकल कर आ रहा है। यदि इसके की मीट्रिक्स देखें, पीई रेशियो इज़ नियरली 28, EPS TTM इज़ नियरली 367.01, डिविडेंड यील्ड इसका 0.40% का है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली रैंक देखें तो 10 है, मार्केट कैप पर शेयर इज 2.48, 52 वीक हाई इसने 1889 का लगाया है, 52 वीक लो जो है इसका 1100 का है। जो प्राइस टू बुक रेशियो है पर शेयर 372 है, प्राइस टू बुक रेशियो इसकी जो है वो 4.87 की निकल कर आ रही है, बीटा 1 मंथ का देखें तो 2.53 का है और फेस वैल्यू पर शेयर इज़ ₹10। तो इसके जो की मीट्रिक्स हैं बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। आप डिफरेंट एनालिस्ट की यदि रिकमेंडेशन देखें तो इस पे टोटल 20 जो है रिकमेंडेशन आई हैं। स्ट्रॉन्ग बाई आर गिवन बाई 5, बाई आर 4, होल्ड इज 9, सेल इज 1 एंड स्ट्रॉन्ग सेल इज 1। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है जो रिकमेंडेशंस हैं। एंड यू कैन सी द रिकमेंडेशंस आर लाइंग बिटवीन द होल्ड एंड बाई ऑन द एवरेज बेसिस। तो आप एवरेज बेसिस पे इसको बाई करके चल सकते हो। तो एंड में हम आपको यही कहेंगे जो एस्कॉर्ट का स्टॉक है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और अभी इस स्टॉक में आपको जो फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं दिखेंगे लेकिन आने वाले टाइम में अब इस कंपनी की जैसे कि कबूटा ने टेक ओवर की है, नई स्टेक इसमें खरीदा है, आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है आपको जरूर ग्रो करती दिखेगी। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी आपको इम्प्रूव होते दिखेगी और इसके जो टेक्निकल्स हैं दे आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश। तो आने वाले टाइम में आप इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2000 लेके चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। एंड में हम आपको फिर कहेंगे यदि आपने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाना है तो आपको पहले जो है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लो प्राइसेस पे पिक करने होंगे, तभी आप जो है स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो। आजकल स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो ये एक अच्छा मौका है कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। तो एंड में हम आपको फिर रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा।